एक लाख रुपया खर्चा फिर हर सालाना, तो इंशाल्लाह इसका 3 से 4 लाख बचत है। मैं ये नहीं कहता 5 लाख है, 10 लाख है, 8 लाख है, नहीं, 4 से 5 लाख टोटल इनका इनकम है। और ये है कि 4 लाख, 4.5 लाख इनकी बचत है। और जब दिल चाहे नमाज का टाइम छोड़ के, नमाज का 5 वक्त का टाइम छोड़ के जब दिल चाहे फ़ोन कर सकते हैं, रब्ता करें, मशवरा पूछें, पहले लगाया है उसका मशवरा पूछें, हम वो भी बताएंगे, समझाएंगे। और विज़िट भी करना पड़ा तो मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं है, ये एक सिस्टम है दुनियादारी का। तो कुछ लोग कह देते हैं ये सदका जारिया मैं कर रहा हूँ, नहीं, सदका जारिया ये गलत बात है। सदका जारिया ये है, असल मशवरा दे देना, असल चीज़ दे देना, जो मांगे वो दे देना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद हूँ पतोकी के इलाके में, जगह जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की नर्सरियाँ तैयार की जाती हैं। आज मैं मौजूद हूँ तनवीर भाई के पास, जो कि गाजी ग्रेप फार्म के नाम से इन्होंने अपना इदारा बनाया हुआ है और मुख्तलिफ किस्म की नर्सरियाँ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान भर में। आज हम इनसे जानेंगे लेमन फार्मिंग के हवाले से कि एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए, कौन सी वैरायटी आजकल सबसे ज़्यादा टॉप क्लास पे चल रही है और ज़्यादा मुनाफा बख्श है, और ये भी जानेंगे कि ये कितनी देर में पौधा तैयार हो जाता है और कितना मुनाफा ये दे सकता है। इस किस्म की बहुत सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। और अगर आप भी अपने कोई यूनिक कारोबार कर रहे हैं और उसे पाकिस्तान भर में मुतारफ़ करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मोहतरम? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह ताला का। मोहतरम अपना नाम बता दीजिएगा। तनवीर अहमद। लोकेशन एक मरतबा फिर से समझा दें। तनवीर अहमद नाम है मेरा, तो पत्तों की तहसील है, ज़िला कसूर है। पत्तों की से चूड़िया रोड पे निकलना है, पत्तों की से चूड़िया रोड पे 5 किलोमीटर पे गाजी ग्रेप्स फार्म हमारा फार्म है। कितने अरसे से ये फार्मिंग कर रहे हैं लेमन के? तकरीबन 7 साल हो गए हैं इसकी कर रहे हैं। इस फार्मिंग को कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। लेमन फार्मिंग के हवाले से जानना चाहता हूँ कि इसका स्कोप क्या है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेमन कहाँ कहाँ सेल किया जा सकता है पॉइंट्स, क्योंकि बाज़ुकात सीज़न नहीं होता है, जैसे सर्दियों का सीज़न है, उन दिनों लेमन का क्या इस्तेमाल होता है? बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। गर्मी का जो फ्रूट है सर, वो मई से शुरू होता है, तकरीबन मई, 15 मई, 20 मई, 25 मई से शुरू होता है। कोई लेमन नहीं इसके साथ आता जब ये आता है, ये ख़त्म हो जाता है तकरीबन, तो इसके हाफ ख़त्म हो जाता है तो स्टार्ट होता है आगे देसी। तो देसी अभी स्टार्ट हो रहा होता है, ये ख़त्म हो जाता है, ये पहले ख़त्म हो जाता है। चलें, यानी ये अच्छी वैरायटी है जी। सबसे पहले तो हमें वैरायटियां बता दें, कौन कौन सी पाकिस्तान में पहले चल रही थी, अब जिद्दत की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है तो कौन कौन सी न्यू वैरायटीज आई हैं? सबसे पहले चलता था देसी, सही, उसके बाद आ गया चाइनीज, सही। तो दोस्त लोग भाई कहते थे कि चाइनीज आ गया, कौन सी चाइनीज चीज़ है, तो पहले वाला होगा। नहीं, जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है वैसे फ्रूट का भी होना ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। चाइनीज़ आया तो जो है देसी पीछे हो गया, चाइनीज़ की पैदावार भी बढ़ गई और उसकी इनकम भी होगी ज़्यादा। तो उसके बाद आ गया ये सीडलेस लेमन। सीडलेस लेमन ये नहीं है कि सीडलेस लेमन होना ही ज़रूरी है, सीडलेस लेमन में वैरायटीज़ है, 5-6 वैरायटीज़ है, लेकिन हमारे पास 3 वैरायटीज़ हैं। नंबर 1 मलेशियन सीडलेस लेमन, नंबर 2 कैलिफोर्निया मलेशियन कैलिफोर्निया सीडलेस, नंबर 3 मैक्सिकन सीडलेस। तो ये हमारे पास 3 वैरायटीज ऑलरेडी तैयार है। जब ये होता ही सीडलेस है तो फिर नए पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं? नए पौधे तैयार किए जाते हैं, ये देखिए इसके ऊपर गुट्टी बांधी जाती है, गुट्टी से एयर लेयरिंग होता है। एयर लेयरिंग का मकसद है कि इसके पौधे के ऊपर ही पौधा तैयार हो जाना, सही, पौधे के ऊपर पौधा तैयार करना। और ये पैदावार भी ज़्यादा देता है और उस लगता भी दूसरे साल में फुल फ्रूट दे देता है। दोस्त कुछ कहते हैं कि 6 महीने बाद फ्रूट देगा, नहीं, गलत बात है। 6 महीने में भी देगा तो कमर्शियल नहीं देगा, क्या है 2-4 पौधे के ऊपर किलो 2 किलो लगें, साल बाद भी किलो 2 किलो लगें। जिस वक्त इसकी प्रूलिंग होती है, तीसरी एयर लेयरिंग की जब पौधा लगाते हैं तो तीसरी प्रूलिंग होती है 1.5 साल के पे जाके,
जब 1.5 साल से लेकर 2 साल तक फ्रूट उठाएगा, तैयार होगा, मचोर होगा, वो कमर्शियल होगा, 20 से 25 किलो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट उठाएगा, पहला फ्रूट। एयर लेयरिंग आपने तो बोल दिया, लेकिन आवाम एयर लेयरिंग को नहीं समझती, इसकी थोड़ी डिटेल समझाइएगा कि एयर लेयरिंग कैसे की जाती है। एयर लेयरिंग मैं आपको बताता हूँ, ये माली मारे कर रहे हैं एयर लेयरिंग, ये देख लें कि एयर लेयरिंग कैसे करते हैं, ये सब आप इसमें देख लें, दिखा दें दोस्तों को ये कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं एयर लेयरिंग। और एयर लेयरिंग के बाद 3 महीने, 2 से 3 महीने टाइमिंग दिया जाता है, फिर इसे ये आगे देख लें, ये काट रहे हैं माली ऊपर से, तो कटाई करते हैं, कटाई करके हमने मुकम्मल प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, हम कटाई करते हैं, ये देखें कटाई भी कर रहे हैं। कटाई के बाद ये आप आगे देख लें कि ये थैले में कैसे लगाते हैं, थैले में हम शिफ्ट करेंगे, थैले में तकरीबन 2 महीने देंगे इसको, ये थैले में कर रहे हैं। थैले के बाद हम जब 2 महीने के बाद जाएंगे तो टोटल प्रोसीजर इसका हो गया, एयर लेयरिंग करने, पौधे से करने के बाद ज़मीन में शिफ्ट करने तक 4 से 5 महीने, जब 5 महीने का पौधा होगा तो मुकम्मल आगे ये तैयार हो जाएगा, तो आगे जाएगा ज़मीन में शिफ्ट हो जाएगा, हमसे ख़रीद के ले जाएंगे, दोस्त लगाएंगे, हम लगाएं, दोस्त ख़रीद के लेके जाए, वो आगे लगाए। एयर लेयरिंग किस किस मौसम में की जा सकती है? एयर लेयरिंग साल में 2 दफ़ा की जाती है, तो एक ये देखें आज से मई में हमने की हुई है, सही, मई यकम से लेके मई 30 तक जब मर्जी कर लें, दूसरी सितंबर से स्टार्ट, यकम सितंबर से लेके आखिर सितंबर 30 तक ये इसकी होती है, साल में 2 दफ़ा होती है, जैसे फ्रूट भी 2 दफ़ा देता है तो ये इसकी एयर लेयरिंग भी 2 दफ़ा होती है एक पौधे की, सही, रूलिंग करेंगे फ्रूट ज़्यादा आएगा एयर, हाँ बशर्त हो एयर लेयरिंग का पौधा, एयर लेयरिंग का होगा, जैसे हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसे एयर लेयरिंग हो रहा है और कैसे कटाई हो रही है और कैसे शिफ्ट हो रहा है थैले में और कैसे ज़मीन में होना है, एयर लेयरिंग का पौधा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में जाके मच्योर होगा और 20 से 25 किलो फ्रूट देगा, शुक्र अल्लाह ताला का, ये हमारे पास ये नायाब वैरायटी है। आपने हाथ में जो लेमन पकड़े हुए हैं ये कौन सी नस्ल के? माशाल्लाह काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, ये मलेशियन? जी मलेशियन है। अगर आप कोई दोस्त पूछते हैं हमसे कि कौन सी वैरायटी लगाएं, एयर लेयरिंग तो है, तीनों वैरायटी हैं, तो हम कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सी लगाना चाहते हैं, हम फिर बताते हैं कि कौन सी वैरायटी लगाएं। मलेशियन हमारे पूरे पाकिस्तान में कामयाब है, सही। तो जो दूसरी दो वैरायटीज हैं अपनी मनमर्जी से पूछें, मांगे, हम देंगे, देते हैं, है हमारे पास। ये देखें एक फार्म पे मैक्सिकन है, एक पे मलेशियन है और एक पे हमारा कैलिफोर्निया है, और आप आएँ, जिसने भी लेना है, देखना है, विज़िट करना है, दोस्तों ने मशवरा करना है, हमारे पास आएँ और हमारे फार्मिंग सिस्टम सारा देखें, देख के हमसे बात करें और मशवरा पूछेंगे, हम बताएँ। लेमन फार्मिंग के हवाले से बताइएगा कौन कौन से इलाकों में ज़्यादा की जा रही है और बेस्ट किन इलाकों में है? भाई जान ये देखें, हमसे पौधा जो जा रहा है सिंध में भी जा रहा है, कराची तक जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि ऊपर ठंडे इलाके में भी जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में। मैं आपको बता दिया है कि अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में कामयाब है, लेकिन कुछ ये है कहीं किसी इलाके में मौसम की वजह से जल्दी आ जाता फ्रूट, जी किसी जो गर्म इलाका है उधर जल्दी आता है, तो जो ठंडा है उस उधर कुछ 15-20 दिन लेट आता है। एक एकड़ में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? एक एकड़ में, बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया है, एक एकड़ में 12x12 पे लाइन लगाएं, पौधे पे पौधे से पौधा लगाएं 10 फुट, तो बहुत अच्छा होगा, रूलिंग होगी, बहुत अच्छा पौधा रहेगा। दोस्त कहते हैं हमने 10x10 पे सुना है लगाना है, ठीक है अपनी मनमर्जी से लगा लें, हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि 10x10 पे लगाएं, 350 पौधा लगाएं, हम ये रिकमेंड करेंगे 350 पौधा लगाएं एकड़ में। सही, जब लगाना है तो इसकी तैयारी किस तरह करनी चाहिए खेत की? आम रूटीन में गंदम, कमाद, मूंजी, मक्की, जैसे उसकी तैयारी होती है वैसे इसकी होती है, इसकी कोई स्पेशल तैयारी नहीं है, ये फरूट है, बाग है। 1 एकड़ लेमन की फिजिबिलिटी बता दीजिएगा, टोटल खर्चा, टोटल मुनाफा, ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की जाए। बिल्कुल ठीक है भाई जान, ये इसका है कि देखें तकरीबन 2 लाख इसका खर्चा आएगा, जिस दिन आप पहली ज़मीन तैयार करेंगे और 2 साल तक पहुंचेंगे, तकरीबन 2 लाख रुपया आएगा, बीच में होगा ठेका भी ऐड होगा और पौधे की कीमत भी होगी और उनकी मजदूरी प्लस खाद स्प्रे वगैरह, इनकी इतनी स्प्रे नहीं है, खाद होती है,
इन 1.5 साल के बाद 2 लाख मुनाफा आएगा पहले फ्रूट पे? पहला फ्रूट जब होगा ना, नहीं खर्चा 2 लाख है। अच्छा, जब पहले दिन से लगाएंगे, पहले दिन से लगाने के बाद 2 साल तक, जब तक इसकी पहली तड़ाई वेस्ट की हार्वेस्ट करेंगे उस वक्त तक 2 लाख रुपया खर्चा है। अच्छा। और पहला फ्रूट हमारा जो बिका है, हम उसकी बात करते हैं, 3,32,000 का हमारा एकड़ का फ्रूट बिका था 2 साल जब हुए थे। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब दूसरा साल आगे, तीसरा साल खत्म हुआ है, 36 माह का हमारा हुआ है। अच्छा। तो जहाँ आप खड़े हैं ये देख लें कि इसकी गुट्टी भी हमने बांधी है, गुट्टी भी तैयार की है, एयर लेयरिंग इसके ऊपर किया हुआ है। तो ये हुआ है हमारा 4,20,000 का, 4,20,000 का हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि अगर ये इसके ऊपर गुट्टी ना बांधी जाए, कल्ला अकेला फ्रूट तैयार करें तो फिर ये 4 से 5 लाख का होगा। कुछ मैंने बातें सुनी हैं दोस्तों से कि 8 लाख का एकड़ होता है, 10 लाख का एकड़ होता है, भाईजान ये सब झूठ है, ये गलत बात है। बात ये है कि ये 4 से 5 लाख का अल्हम्दुलिल्लाह होता है बागबानी है, बहुत मुनाफा है, 4 से 5 लाख को कम नहीं है। 4 से 5 लाख मुनाफा होता है, और जब ये 2-3 साल गुजर जाते हैं उसके बाद सालाना खर्चा कितना होता है? 2 लाख तो पहले आ चुका था ना, पहले आ गया, उसके बाद सालाना खर्चा, उसके बाद सालाना खर्चा 50,000 ठेका जमीन का। हाँ। तो 25-30,000 खाद स्प्रे और इसकी कोई सेवा गोडी चौकी, बस तकरीबन ये है। यानी 3.5 लाख बच जाते हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। 1 लाख रुपया खर्चा आप करें ना, 1 लाख रुपया खर्चा फिर हर सालाना, तो इंशाल्लाह इसका 3 से 4 लाख बचत है। मैं ये नहीं कहता 5 लाख है, 10 लाख है, 8 लाख है, नहीं, 4 से 5 लाख टोटल इनका इनकम है। और ये है कि 4 लाख, 4.5 लाख इनकी बचत है। अच्छा, साल में 2 फ्रूट ये देता है। तनवीर भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मालूमात दी हैं आपने, फिजिबिलिटी भी बना के दिखा दिया, और आपने बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि 3 से 4 लाख आप सालाना कमा सकते हैं जी। अब बहुत सारे दोस्त आपसे राबता करने का इश्तियाक रखते होंगे, एड्रेस आपने समझा दिया है, हम स्क्रीन पे नंबर भी लिख देंगे। हम चाहते हैं कि जो दोस्त पढ़ना नहीं जानते वो आपका मुँह से सुन लें, तो काइंडली अपना नंबर बता दें जी। ठीक है, 0300 65 80 149 जी, 65 80 149। और दूसरा नंबर जो WhatsApp पे है 0312, आगे वही नंबर है 0312 65 80 149, ये WhatsApp पे नंबर है। और जब दिल चाहे नमाज का टाइम छोड़ के, नमाज का 5 वक्त का टाइम छोड़ के, जब दिल चाहे फ़ोन कर सकते हैं, रब्ता करें, मशवरा पूछें, पहले लगाया है उसका मशवरा पूछें, हम वो भी बताएंगे, समझाएंगे। और विज़िट भी करना पड़ा तो मैं जाऊँगा, कोई बात नहीं है, ये एक सिस्टम है दुनियादारी का। तो कुछ लोग कह देते हैं ये सदका जारिया मैं कर रहा हूँ, नहीं, सदका जारिया ये गलत बात है। सदका जारिया ये है, असल मशवरा दे देना, असल चीज़ दे देना, जो मांगे वो दे देना, और अपना बागात हो तैयार आपको, तो फिर ही आप असल चीज़ दे सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो बहुत सारी चल रही हैं, तो आप देखें, आपने देखा भी है, देखें भी, दिखाएँ भी दोस्तों को कि हमारा फरूट फार्म, गाजी ग्रेप्स फार्म हमारा वाहिद है, जहाँ हमारा ग्रेप्स है वो भी अपना जाती है, उससे पौधा तैयार करते हैं। और ये हमारा लेमन एसिडलेस, ये अपना जाती तैयार किया हुआ है, फ्रूट भी तोड़ते हैं और इससे एयर लेयरिंग करके पौधा भी देते हैं, जो मांगे, जिसने मांगना है, जो वैरायटी तीनों में से मांगे हम देंगे। अगर हमसे कुछ छोड़ता है, कौन सी वैरायटी हम लगाएं, रिकमेंड करें, फिर हम मलेशियन करेंगे एक नंबर पे, पहले नंबर पे, दूसरा भी देंगे, दूसरा मांगेंगे तो देंगे, पहले नंबर पे मलेशियन देंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।